तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लू लॉक एनिमे का एपिसोड नंबर 2। तो बिना किसी तरीके के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फुटबॉल टीम की यूनियन मेंबर्स की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एक न्यू मेंबर होती है जिसका नाम है एंड्री, वो मतलब कि जापानीज फुटबॉल टीम के रिजल्ट को देखने के बाद बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम मिलियन ईयर्स में भी एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। ये सुन के जो जापान टीम का स्पेशल एडवाइजर है हिरोतोशी, वो बोलता है कि वैसे भी ये जो फुटबॉल है ये बस एक बिजनेस की तरह है, और क्या तुम्हें सही में लगता है कि जो जापान की फुटबॉल टीम है वो वर्ल्ड कप जीत पाएगी। और वो बड़े डेविलिश तरीके से ये बोलता है। और ये सुनने के बाद तभी जो एंट्री होती है वो बोलती है कि हाँ, मेरे को बिलीव है और ये मेरा एक ड्रीम भी है, और मैं जानती हूँ कि तुम जैसे जो चोर हैं वो बस पैसे खाने के लिए यहाँ पे है, और तुम लोग कोई मेहनत भी नहीं करोगे, और इसीलिए मैं ही सब कुछ काम करूँगी। और ये सुनने के बाद तभी जो हिरोतोशी होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर इसमें जितना भी काम होगा वो सारा तुम ही करोगी, और अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई और या फिर ये सब काम नहीं हुआ तो फिर जो इसका फॉल्ट है वो सब तुम पे ही जाएगा, और तुम्हें पता है कि किसका गर्दन उड़ेगा उसके बाद। तभी एंड्री बताती है कि ये सारा जो काम है वो बस एक ही पर्सन है जो कि पॉसिबल कर सकता है और जापान टीम को वर्ल्ड कप जिता सकता है, जिसका नाम है इगो जिम्पाची, और वो उसकी फोटो भी दिखाती है। और तभी यहाँ पे हमें ब्लू लॉक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कीरा होता है वो बोलने लग जाता है ये तुमने क्या किया। और तभी इसागी कहता है कि मुझे भी नहीं पता, कि मेरे को भी खुद समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और तभी जो यहाँ पे ईगो होता है वो ताली बजाने लग जाता है और बोलता है कि इस जगह में बस रिजल्ट्स मैटर करते हैं और कुछ भी नहीं। और तभी वो कीरा को डिस्क्वालीफाई कर देता है। और ये सुनने के बाद जो यहाँ पे कीरा होता है वो बोलने लग जाता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बस ये फालतू के एक गेम की वजह से मेरा जो करियर है वो खराब हो जाएगा फुटबॉल के लिए, और आखिर ये जो ब्लू लॉक है इसका फुटबॉल से लेना देना ही क्या है। और तभी ये सुनने के बाद जो ईगो होता है वो बताने लग जाता है कि इसका सब कुछ लेना देना है फुटबॉल से, सब कुछ। और तभी वो बताने लग जाता है तुम लोग जिस अभी ग्राउंड में मतलब एरिया में रूम में खेल रहे हो उसका जो साइज है वो एकदम एक पेलेंटी एरिया के साइज के जितना है, इसीलिए एक फुटबॉल मैच में जितने भी 75% गोल्स होते हैं वो इस एरिया में होते हैं, और अगर तुम इसी एरिया में ढंग से नहीं खेल पा रहे हो इसका मतलब तुम्हारे पास स्ट्राइकर का कोई भी टैलेंट नहीं है। और तभी कीरा बोलने लग जाता है कि जो इसाकी है वो उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलता, और ये जो टैग गेम है ये सॉकर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। पर लेकिन तभी जो ईगो होता है वो बताने लग जाता है जो टैग गेम है वो एकदम सॉकर की तरह है, क्योंकि इसमें हमारा जो बॉडी पोर्शन है, हमारा एम है, वो सब कुछ एकदम फुटबॉल की तरह ही है। अगर तुम अपने जो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे गोल करना है तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना, और अगर तुम्हारा जो एम है वही अगर सही से नहीं लग पाएगा तब फुटबॉल खेलने का फ़ायदा ही क्या होगा। तभी कीरा बोलता है कि एक फुटबॉल मैच में 90 मिनट्स होते हैं, और यहाँ तक कि तुमने तो हमें बस 2 मिनट दिए, आखिर तुमने इस इतने से टाइम में हमें मुझे पूरा कैसे जान लिया। और तभी जो ईगो होता है वो बताता है कि जो नॉर्मल फुटबॉल मैच होते हैं वो 90 मिनट्स के ही होते हैं, पर लेकिन मैं अगर मान लो तुम फुटबॉल मैच के आखिर के टाइम में हो और तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट्स बाकी रह जाएंगे तब तुम क्या करोगे, और क्या तुम ऐसे ही बहाने मारोगे वहाँ पर भी, और जब तुम्हारे पास आखिर का 1 सेकंड भी बाकी रहता है तब भी तुम्हें उस टाइम पर भी किसी न किसी को एक मारने का मौका मिलता है। मान लो अगर तुम किसी मैच के आखिर के टाइम में हो और तुम्हारा जो टीममेट्स है उसने तुम्हें पास दिया और गलती से वो तुम्हें पीठ में लग गया, तो क्या तुम उस मौके को छोड़ दोगे और डिफीट एक्सेप्ट कर लोगे। जो इसाकी था उसने बॉल जब उसको मिला तब उसने अपने से हायर रैंक वाले को मारने का ट्राई किया, ना कि इगागुरी को जो कि वैसे ही गिरा हुआ था और उससे भी लो रैंक का था। और यहाँ पे जो बाचीरा था उसने भी जो बॉल था वो एकदम हायर रैंक वाले बंदे को मारने का ट्राई किया, ना कि किसी लोअर रैंक के, और तुम जो थे उस तुमने भागने का डिसाइड किया इसलिए तुम हार गए। और तभी वो बोलता है कि तुम डिस्क्वालीफाई होते हो, और ये सुनने के बाद जो कीरा होता है वो एकदम मतलब पागल हो जाता है और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। और तभी जो इसाकी होता है वो कीरा से बात करने की कोशिश करता है, पर लेकिन जो यहाँ पे कीरा होता है वो उसको बहुत गुस्से में देखता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। और तभी जो यहाँ पे इसाकी होता है वो सोचने लग जाता है कि क्या मैंने अभी जो कीरा है उसके सॉकर करियर पर लात मार दी, और तभी वो काफ़ी ज़्यादा खुद मतलब खुद को ये दोष दे रहा होता है। और तभी वो बातचीता से जाकर पूछता है कि आखिर उसने खुद की क्यों नहीं मार दिया और यहाँ तक कि उसको पास क्यों किया। तो फिर ये सुनने के बाद जो यहाँ पे बातचीत होता है वो बोलता है कि क्योंकि तुम्हारे जो चेहरा था उसमें पूरा लिखा, साफ साफ लिखा था कि तुम उस बॉल को किक मारते अगर मैं तुमको देता, इसलिए मैंने तुम पे बिलीव किया और मैं जीत गया। और ये सुनने के बाद जो यहाँ पे इसागी था वो बोलता है कि ये बंदा पूरा क्रेजी हो रखा है। और उसके बाद जो ईगो होता है वो बताने लगता है कि वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर बनने के लिए तुम्हें इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तुम्हें हर दिन अपनी जो लाइफ हैं उनको लाइन पर रखनी पड़ेगी हर दिन, और फिर फाइट करना पड़ेगा अपने करियर के लिए, और ये सब चीज़ें ब्लू लॉक में एकदम नॉर्मल हो रखी है, और तुम्हें हर दिन सर्वाइव करना पड़ेगा, और ये सब बातें अपने दिमाग में डाल लो। और फिर जो ईगो है वो बताता है कि
तुम्हारा जो ईगो है वही तुम्हें ग्रोथ दिलाएगा एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर बनने के लिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर बनने के लिए। और उसके बाद ईगो उन सबको बधाइयाँ देता है फर्स्ट राउंड को क्लियर करने के लिए, और फिर वो बताता है कि ये जो पूरे 11 लोग हैं इन सभी को एक साथ रहना पड़ेगा, और यहाँ पे उन सभी का जो ग्रुप का नेम है वो टीम जेड है। फिर हमें ट्रेनिंग सेक्शन का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे इसाकी और लिगागोरी एक बंदे के साथ रनिंग कर रहे होते हैं, पर लेकिन वो उसके साथ एकदम भाग नहीं पाते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग रहा था, और वो बंदा बोलता है कि मैं तुम दोनों को एकदम रुला के छोड़ दूंगा। और फिर जब इसाकी जंपिंग का प्रैक्टिस कर रहा होता है तब भी वो दूसरे अपना जो पार्टनर होता है उसके साथ बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पाता। फिर हमें लंच टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे जो इसाकी होता है उसको काफ़ी बेकार खाना मिलता है जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जबकि कुछ कुछ बंदों को काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। और फिर हमें सोने का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सो रहे होते हैं, पर लेकिन जो इसाकी होता है उसको नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट रैंक में होता है, और फिर वो सोचता है कि क्यों ना वो ट्रेनिंग पे जाए। और तभी वहाँ पे पीछे से बातचीत भी आ जाता है और वो उसको ट्रेनिंग के लिए बोलता है, अगर वो अकेला ट्रेनिंग कर रहा है तो फिर वो भी उसके साथ ट्रेनिंग करेगा। और फिर वो लोग ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, और वहाँ पे तभी जो इसाकी होता है वो उससे वापस से वही सवाल पूछता है कि आखिर उसने किया को बॉल क्यों नहीं मारा और उसको क्यों पास दिया। तो फिर जो यहाँ पे बातचीत होता है वो बोलता है कि क्योंकि मेरे जो अंदर का मॉन्स्टर है उसने मुझसे ये करने के लिए बोला। और फिर हमें बाचिदा का एक पुराना गेम दिखाया जाता है, मतलब जो कि बाचिदा बता रहा होता है कि एक बार वो गेम खेल रहा था जहाँ पे उसका जो टीममेट था वो उससे बॉल मांगता है, पर लेकिन वो बिना पास करे उसके आगे चले जाता है, पर लेकिन जो राइवल टीम होता है वो उसको गिरा देता है और बॉल लेकर चले जाता है। और यहाँ पे तभी उसको अपने अंदर का एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि उसको अपना हाथ देता है और वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब बढ़िया स्ट्राइकर बनने में। और तभी जो यहाँ पे इसाकी होता है उसको ये सब सुनने के बाद कुछ यकीन नहीं होता, पर लेकिन तभी बाचिदा उसके एकदम सामने जाके बोलता है कि मेरा जो मॉन्स्टर है उसने मेरे को बोला कि जो इसाकी है उसको पास करो क्योंकि उसके अंदर भी एक मॉन्स्टर है, और मैंने उसकी बात मानी और मैंने तुमको दिया था, क्यों तुम अपने मॉन्स्टर की जो वॉइस है उसको नहीं सुन सकते। और तभी जो यहाँ पे इसाकी होता है वो सोचने लग जाता है, जब मेरे पास बॉल आई थी तब मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, मेरे को कोई रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिला अपने आप का, मुझे मेरे अंदर के जो मॉन्स्टर है उसके बारे में और भी जानना होगा क्योंकि उसी की मदद से मेरे को पता चलेगा कि मैं इस ब्लू लॉक में कैसे सर्वाइव करूंगा। और तभी जो बातचीता होता है वो बोलने लग जाता है जो फेमस प्लेयर्स हैं मेसी रोनाल्डो और नेमार उन सब के अंदर भी खुद का एक मॉन्स्टर है और उनकी वजह से वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, मतलब इतने टैलेंटेड बन चुके हैं। और तभी बातचीता इसाकी को बॉल लेने के लिए बोलता है कि मेरे से जितना मतलब तुम्हारे पास जितना कुछ भी है सब लगा दो और मेरे से बॉल लेके दिखाओ। और तभी जो इसाकी है वो पूरा फुल स्पीड में जाता है और उसकी जो आंखें होती है वो एकदम चमकने लग जाती है। और ये देखने के बाद जो बातचीता होता है वो बोलता है कि देखो मुझे तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख पाया। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लग जाती है कि जो सभी लोग हैं वो अपने अपने रूम में जाए क्योंकि जो लास्ट रैंक्स रहते हैं वो अपडेट होने वाली है। और फिर वो हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग अपने रूम में होते हैं जहाँ पे जो इसाकी होता है उसका बस एक रैंक बड़ा होता है जो कि 224 रैंक में होता है, और यहाँ पे जो इगागुरी होता है उसकी रैंक होती है 275 जो कि एक ही डिफरेंस में होती है। और तभी यहाँ पे सभी लोग कंप्लेन करने लग जाते हैं ईगो से कि जो उसका उनका एनवायरनमेंट है वो काफ़ी बेकार है और खाना भी काफ़ी बेकार है। तभी जो ईगो होता है वो बताने लग जाता है कि तुम सबको ब्लू लॉक का सिस्टम समझा देता हूँ। ब्लू लॉक में टोटल 25 टीम्स है बी से लेकर जेड तक, और हर बिल्डिंग में 5 ग्रुप्स रहते हैं और सभी के पास एक अपना अपना बिल्डिंग है। और स्टार्टिंग में 300 प्लेयर्स आए थे जिसमें से 25 प्लेयर्स राउंड वन में मतलब निकाल दिए गए हैं, और अभी सिर्फ 275 मेंबर्स बाकी हैं। और ये सुनने के बाद जो इगागुरी है उसको अभी पता चलता है कि वो अभी भी लास्ट नंबर पे ही है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। और तभी ईगो बताता है कि इसी वजह से जो तुम्हारा जितना लोएस्ट रैंक होगा तुम्हारी जो फैसिलिटीज़ हैं उतनी ज़्यादा कम होगी, और तुम्हें अपनी जो फैसिलिटीज़ ज़्यादा लेने के लिए तुम्हें अपनी जो रैंक है उसको बढ़ाना होगा। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी प्लेयर से बोल रहा होता है कि जो वो जापान की टीम के लिए खेल ले, और हमें दिखाया जाता है वो इतोशी होता है, जिस उस बंदे का नाम इतोशी होता है और वो वर्ल्ड का टॉप 11th प्लेयर होता है और वो जापान से होता है, पर लेकिन वो जापान इसलिए वापस आया था क्योंकि वो बस अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाना चाहता था। और वो बोलता है कि वो बस एक गलत कंट्री में बॉर्न हो गया था, वो जापान जैसी घटिया कंट्री के लिए कभी नहीं खेलेगा, इससे बेहतर वो जर्मनी के कॉलेज फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल ले। जो सुन के सामने वाला बंदा बोलता है कि वो ऐसी बातें ना करे क्योंकि अगर मीडिया में किसी ने सुन लिया तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पर लेकिन जो इतोशी होता है उसका कोई मतलब ध्यान नहीं था, वो बोल रहा था कि जाए जो हो जाए होने दो मेरे को क्या। और तभी जो इतोशी होता है उसकी नज़र एक इंटरव्यू पर जाती है जहाँ पर जो ब्लू लॉक होता है उसके बारे में समझाया जा रहा होता है
होता है जो कि स्पेशल एडवाइजर समझा रहा होता है, और जो मीडिया होती है वो उसके बारे में काफी सवाल भी खड़े करती है, और उसको उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता ये जो प्लान है ब्लू लॉक। और तभी जो यहाँ पे एंड्री होती है वो काफी गुस्से में बोलने लग जाती है कि हमारा ये ड्रीम है कि जो जापान की फुटबॉल टीम है वो वर्ल्ड कप को जीते, और इसके लिए हम लोग जो न्यू कमर्स हैं उन सबको एक सख्त से सख्त ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो एक बेस्ट स्ट्राइकर का रोल प्ले करे और जापान की जो फुटबॉल टीम है उसके लिए एक वर्ल्ड कप जीत के लाए, और जो ब्लू लॉक प्रोजेक्ट है ये एक ऐसे प्लेयर को जन्म देगा जो कि इस काबिल होगा, और ये सब बोल के वो वहां से चली जाती है। पर लेकिन यहाँ पे जो बाकी की मीडिया होती है वो अभी भी काफी सारे गुस्से में होती है और काफी सारे सवाल पूछी जा रही होती है, और तब यहाँ पे जो एंड्रयू का मैनेजर होता है बोलने लग जाता है कि आपकी जो फ्लाइट है वो जाने के लिए रेडी हो गई है और आपको जल्दी से यहाँ से जाना होगा। और तभी जो यहाँ पे एंड्रयू होता है वो बोलने लग जाता है कि ए फ्लाइट को कैंसिल कर दो क्योंकि मैं यहाँ पे रह कर देखना चाहता हूँ कि मेरे जो कंट्री है वो किस तरह की इडियट को बॉर्न देता है, मतलब जन्म देता है, और मैं ये सब चीज़ अपने आँखों से देखना चाहता हूँ। और तभी हमें टीम जेड को दिखाया जाता है जो कि सभी के सभी ग्राउंड में आ रहे होते हैं, और जब वो लोग ग्राउंड में आ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि उनका जो पूरा मैच है वो एक सर्वाइवल मैच होने वाला है जो कि है टीम एक्स के साथ। और फिर वहाँ पे जो टीम एक्स होती है वो भी आ जाती है, और उन सभी को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उन सभी के पास इवल पावर्स होती हैं, मतलब इवल पावर्स हैं क्योंकि उनसे काफ़ी डार्क ऑरा निकल रहा था। और उन सभी को देखने के बाद जो इसाकी होता है वो बोलता है कि मैं ही वो बंदा हूँ जो कि सर्वाइव करने वाला है, और इसी तरीके से ये कमाल का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस जो नेक्स्ट एपिसोड है वो तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि हमें फुटबॉल मैच देखने को मिलेगा वो भी टीम जेड एंड टीम एक्स के बीच में, और भाई कैसा जाएगा मुकाबला वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट्स सेवनारा।